आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं प्रोफेसर सैया हूँ और मैं BBSc MBSc PhD हूँ, तथा मैं ये कृषकों के लिए और वेटनरी बंधुओं के लिए अपने स्टूडेंट्स और उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब मैंने AI करवाई और वो सावा तीसरे दिन फिर हीट में आ गई, तोड़ा डाल रही है। तो इसी समस्या का समाधान देने के लिए मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें ये जो नीली लाइन है ये FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये 2 बार ऊपर जाता है, एक बार यहाँ एक बार 10 दिन पे, और फिर ये तीसरी बार भी ऊपर जाता है। तो तीसरे दिन और 10वें दिन आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा थोड़ा वो जो है एस्ट्राडियोल बढ़ता है, वो थोड़ा सा छटाव करती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये ऊपर जाता है एकदम, तो ईस्ट्रोजन बहुत हाई हो जाता है, तब बहुत ज्यादा छटाव करती है। तो ये यहाँ पे तीसरे दिन और ये यहाँ पे क्या कहते हैं 10वें दिन जब ये छटाव कर रही है, तो आप इससे परेशान मत होइए। मतलब ये बेकार की बात है कि आप उससे परेशान हो रहे हैं। मेरे पास बहुत टेलीफोन आते हैं, साहब उससे साहब छटाव कर दिया, साहब बीज निकाल दिया। ये देखिए, ये फॉलिकल्स हैं, ये डेवलप हो रहे हैं, ये डेवलप हो रहे हैं। ये फर्स्ट वेव होती है, फर्स्ट वेव यहाँ लिखा है, ये देखिए फर्स्ट वेव। तो यहाँ पे आकर ये एटेटिक हो जाते हैं, ये मर जाते हैं, फिर ये नीचे चले जाते हैं। फिर जो है इसमें ये सेकंड वेव चलती है, ये सेकंड वेव चलती है। ये सेकंड वेव में देखिए यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे ये अंडा निकल गया सेकंड वेव में। इसमें देखिए ये अंडा निकल रहा है, अगर ये अंडा नहीं निकलता, इसमें ये LH हार्मोन है, ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। ये मतलब रिसेप्टर का इंजेक्शन रहा है। अगर ये अगर आप यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन दे देंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा और वो अंडा नहीं निकलेगा, और फिर मतलब ये होगा कि गाय जो है खून भी दे सकती है। तो अक्सर ये भी आता है कि साहब वो खून दे गई साहब, अब तो मैं क्या करूँ। तो उसमें क्या करूँ, तो कुछ नहीं है, आप मतलब जो है रिसेप्टर का इंजेक्शन लगाइए। और वैसे खून देने का मतलब ये नहीं होता कि वो कंसेप्शन नहीं होगा, हो सकता है फिर भी कंसेप्शन हो सकता है। तो मैंने आपको यही बताया कि तीसरे दिन और 10वें दिन और फिर ये इसमें थोड़ा सा ये छटाव कर सकती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें 2 साइकिल चलती हैं, एक साइकिल ये चलेगी, इसमें से मतलब वो जो होता है किसी का सिलेक्शन नहीं होता, फिर दूसरी साइकिल में ओवुलेशन होता है। अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो अंडा निकलता है ये 24 घंटे तक जिंदा रहता है, ये 24 घंटे तक। तो आप ऐसा कोई परेशान मत होइए कि साहब अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं दोबारा AI कराऊँ। इस फिगर में दिखा रहा हूँ मैं आप, इसमें देखिए अंडा निकल गया। अब बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो इस अंडे के चारों तरफ आएंगे, और मतलब करीब 150 लाख स्पर्म आते हैं, उसमें से जो है एक ही स्पर्म जो है इसमें घुस पाता है और उसी से ही फिर वो होता है। देखिए ये इसका डायग्रामेटिक वो है, देखिए एक स्पर्म घुस रहा है, उसका कैपेसिटेशन हो गया, मतलब कैपेसिटेशन ये हो गया कि मतलब वो जो है वो परपक्स हो गया, उसकी कैप जो है उतर गई, तो यही घुसेगा, उसके बाद कुछ नहीं घुसेगा। तो आप ये समझिए 200 लाख या 150 लाख में से एक ही स्पर्म घुसने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए इसमें दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि जब AI करते हैं तो इस जगह पे सीमन को रख देते हैं, मतलब 150 लाख स्पर्म जो है यहाँ पे रख दिए, और ये छोटी सी होती है, खुलती है थोड़ी देर को। इसमें आप देख रहे हैं दोनों तरफ बिल से हैं, इसमें बिल से इसमें सीमेन घुस जाता है। अगर उसने सीमेन को अंदर रख दिया तो वो बेकार हो जाएगा, अंदर नहीं रखना है इसको, जो है यहीं पे सीमेन को रखेगा, वो बिल में घुस जाते हैं और फिर वहां से उनका कैपेसिटेशन होता है और वो प्रोसेस होते हैं, फिर वो आगे की तरफ जाते हैं। तो मैंने ये आपको बताया कि ये बड़ा बड़ी विचित्र बात है कि चौथाई बूंद के करीब तो स्पर्म जाते हैं, और उसमें जो है 2 लाख स्पर्मेटोजुआ होते हैं, और वो 2 लाख स्पर्मेटोजुआ वो कैसे बाहर आ जाएंगे, वो बेकार में लोग परेशान रहते हैं कि साहब उसने बीज, मैं दोबारा AI करा रहा हूँ साहब,
अरे वो तो 72 घंटे तक उसमें जिंदा रहेंगे, और वो जो आपका अंडा निकला है वो मैंने बताया वो 24 घंटे तक जिंदा रहेगा। तो इस तरह आप इससे बिल्कुल मत घबराइए कि साहब वो 2 बार AI कर रहे हैं साहब। आप रिसेप्टल का इंजेक्शन लगा दीजिए DNRH का, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं जो इंसेमिनेटर है उन्हें बता रहा हूँ कि बीज को पूरा अंदर मत करिए, यहीं पे करिए, उसका कैपिटेशन बहुत जरूरी है। वो कहते हैं साहब वो पार नहीं हो रही। अरे भाई उसके मुंह पे छोड़ दो ना थोड़ा सा घुसा के, क्या साहब वो 2-3 रिंग है वो रिंग पार नहीं हो रही साहब। अरे रिंग पार करेंगे तो आपको आपको बच्चा पैदा नहीं होगा। तो मैंने ये बात आपको बता दी इसमें। अब दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए गर्भाधान कहाँ पे होता है। ये यहाँ पे उसने सर्विक्स में रख दिया बीज, यहाँ से बीज रख दिया, इधर एम्ब्रियो ट्रांसफर दिखा रहे हैं। ये ओवरी है, देखिए ये ओवरी है, ये छोटी सी ओवरी, इसमें से अंडा निकल के गिरता है ओवरी में से, फॉलिकल्स में से निकल, और ये यहाँ पे ओवी डक है, ये ओवी डक है देखिए। तो यहाँ पे गर्भाधान होता है इस जगह, जो आपने वहां पे 15 लाख या 150 लाख स्पर्म डाले हैं उसमें से एक ही स्पर्म जाएगा यहाँ पे, वो पूरा इधर से चल के आएगा और यहाँ पे इस ओवी डक में जो है उसका फर्टिलाइजेशन होता है और एक ही स्पर्म को सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैंने आपको जैसा बताया कि अंडे की लाइफ 24 घंटे और सीमेन की लाइफ 72 घंटे, इसलिए दोबारा AI कराने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत सा सीमेन तो 2-2 हजार 3-3 हजार का आ रहा है, तो आप 2 बार AI कराएंगे? आप जब गाय हीट में आती है तो उसके 18 से 24 घंटे के बाद कभी भी AI करा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए कि 2 बार कराएंगे या उसने साहब को थोड़ा डाल दिया। वो तो तीसरे दिन देखिए यहाँ पे, और ये 10वें दिन डालेगी थोड़ा सा थोड़ा, और फिर 21वें दिन बहुत ज्यादा दौड़ डालेगी। तो मैंने आपको यही बताया कि ये जो भ्रांति है बिना बात में कि 2 बार AI कर रहे हैं साहब, और साहब वो उसने वो बीज गिरा दिया। अरे वो बीज नहीं गिरा सकती भाई, वो कैसे गिरा देगी? आप देखिए आधा चौथाई बूंद जो सीमेन है वो यहाँ पे रख दिया इसमें सर्विक्स में। अब ये चौथाई बूंद जो है इसमें 2 लाख होते हैं, वो अंदर की तरफ जाएंगे, ये अंदर की तरफ जाएंगे यहाँ से सर्विक्स में से, पूरे यूट्रस में से, और यहाँ पे ओविडक में जाके वो मिलेंगे। तो इसका 24 घंटे है और स्पर्म्स की लाइफ जो है वो 72 घंटे है। तो आप इस चक्कर में तो मत रहिए कि 2 बार AI करानी है कि साहब, गलत बात है। मैं ये इसको इंसेमिनेटर को भी बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, कृषकों को, वेटनेरियन को भी बता रहा हूँ कि कृपया ये ध्यान दें कि 30वें दिन और ये 10वें दिन थोड़ा मोड़ा तोड़ देती है तो वो नेचुरल है। और ये यहाँ पे जो LHP आनी चाहिए, अगर LHP नहीं आएगी तो वो खून दे जाएगी गाय, और आप उसमें रिसेप्टल का इंजेक्शन लगा दीजिए, वो आपकी समस्या का समाधान हो जाए। मेरे पास दिन भर इस तरह के फोन आते हैं कि साहब अब क्या करना है, अब क्या होगा, होगा क्या, अभी बच्चा पैदा होगा और क्या होगा। आप रिसेप्टल लगाइए और एक ही बार AI कराइए तो आपका हो जाएगा। इसमें पूरा दिखाया हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। इसमें देखने की बात यह है कि ओविडक में होता है, उसका कैपेसिटेशन जो है वो बड़ा जरूरी है। कैपेसिटेशन ये होता है कि मतलब एक इसके स्पर्म की कैप उतर गई, जब इसकी कैप उतरेगी तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसी के साथ मैं अपना वार्ता समाप्त करता हूँ। मैं प्रोफेसर थे हूँ, मैं BBSc MBSc PhD हूँ और कैम्ब्रिज से पोस्ट डॉक भी की हुई है। मैं पढ़ाता रहा वेटनरी से, अपने जानवर भी रखता हूँ, और जो मेरे गुरु ने मेरे को ज्ञान दिया है वही मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभकारी होगा। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।